गाइस अगर आप लोग भी अपने शोल्डर को ब्रॉड बनाना चाहते हैं, चौड़ा करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो कि आपके शोल्डर को ब्रॉड करेगी, शोल्डर को बड़ा करने में आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली, और आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप लोग बिना किसी इक्विपमेंट के अपने शोल्डर को घर पर ही ट्रेन कर सकते हैं और उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और उसको ब्रॉड बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो गाइस अगर आप लोग अपने शोल्डर का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं, उसको ब्रॉड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक्सरसाइज आप लोगों को परफॉर्म करनी है पाइक पुशअप, जो कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी गई है आपके शोल्डर का साइज गेन करने में। करने का तरीका यहाँ पे देख लें, ये तरीका होने वाला है कुछ इस तरीके से। आपको अपने हाथ रखने हैं और एडी को ऊपर की तरफ उठा के रखना है। इस तरीके से आप लोगों को पाइक पुशअप करने होते हैं, ऐसे एक दो तीन चार एंड पाँच, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, सामने से देख लें, इतना वाइड होना चाहिए आपके हाथ ऐसे, और ऐसे परफॉर्म करना है एक दो। भाई करके देखना तो आपको पता चलेगा आपके शोल्डर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इसके आपको लेने हैं चार सेट एंड रेपिटेशन रेंज आपकी होनी चाहिए ओनली 10। आपको बिल्कुल स्लोली पोजीशन के अंदर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। सो गाइस, सेकंड एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं ईंट के साथ। अगर आप लोगों के पास डंबल वगैरह नहीं है तो ईंट ले लें या फिर कोई भी ऐसी हैवी चीज़ ले लें जो कि सेम डंबल की तरह वर्क करती हो। तो सेकंड एक्सरसाइज आपकी रहेगी कुछ इस तरीके से, डंबल प्रेस। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सेकंड एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ऊपर जाना है, पूरा खोलना नहीं है, ठीक है, इतना बैंड होना चाहिए और नीचे आना यहाँ तक, कान तक आना, ठीक है, पूरा नीचे नहीं आना, नहीं तो आपका मसल रिलैक्स हो जाएगा। सही तरीका है ये इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। इससे क्या होता है, आपके शोल्डर के एंटीरियर डेल्ट और साथ ही साथ पोस्टीरियर डेल्ट और आपके जो साइड लैटरल होते हैं वो बहुत ही जल्दी ट्रेन होते हैं। गाइस सेकंड एक्सरसाइज हम लोगों को परफॉर्म करनी है साइड लैटरल राइजेस, कुछ इस तरीके से आप लोगों को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, यहाँ तक आना है और होल्ड करना है, ठीक है, 4 से 5 सेकंड होल्ड करना है, देन बिल्कुल स्लोली कुछ इस तरीके से आप लोगों को नीचे जाना है। ये है सही तरीका साइड लैटरल राइज एक्सरसाइज करने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं इस तरीके से, भाई ये नहीं करना, ये गलत होता है, ऐसे आपके मसल के ऊपर टेंशन नहीं आएगा, ठीक है, आपके शोल्डर कभी भी बिल्ड नहीं होंगे। तो ऐसे करें, होल्ड करें 4 से 5 सेकंड, देन उसके बाद स्लोली स्लोली आपको नीचे आना है, तो देखना आपके शोल्डर के ऊपर बहुत ही तगड़ा टेंशन आएगा। अपनी फोर्थ एक्सरसाइज जो कि आपके ट्रैप्स के मसल्स को और आपके शोल्डर के डेल्ट को, मतलब कि लेटरल को ट्रेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से करना, आप राइट रहो, ऐसे आपको करना है, होल्ड करना है 4 से 5 सेकंड, देन बिल्कुल स्लोली आप लोगों को नीचे आना है कुछ इस तरीके से। तो ये है आपकी फोर्थ एक्सरसाइज, इसके आपको लेने हैं 3 से 4 सेट और रेपिटेशन रेंज आपकी होगी कम से कम 15 रेपिटेशन रेंज आपको ज़रूर लेनी है अगर आप लोग अपने शोल्डर का लैटरल हेड ट्रेन करना चाहते हैं। गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आगे के शोल्डर को ट्रेन कर लेते हैं बट पीछे वाला जो आपका पोस्टीरियर मसल होता है उसको ट्रेन नहीं करते। तो उसको ट्रेन करने के लिए आप लोगों को फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है। ये आपकी पोजीशन रहेगी और ऐसे परफॉर्म करना है, होल्ड करना है 3 से 4 सेकंड, देन स्लोली स्लोली आपको नीचे आना है और पूरा नीचे आके टच नहीं करना, ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए, जहाँ तक आना है बिल्कुल स्लोली नीचे आए कुछ इस तरीके से, यहाँ तक आए देन ऊपर। तो ये है एकदम सही तरीका इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे, भाई कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे टेंशन आ रहा है। तो गाइस ऐसी एक्सरसाइज करके आप लोग सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो सही तरीका मैंने आपको बता दिया, 5 एक्सरसाइजेस आप लोगों को अपने शोल्डर को घर पे बिल्ड करने के लिए परफॉर्म करनी है, जो कि आपके शोल्डर को ब्रॉड भी करेगी, उस पर मास भी डालेगी और साथ ही साथ एक 3D लुक भी देगी, गोलाई की शेप के अंदर भी आपका शोल्डर आ जाएगा अगर आप लोग ये 5 एक्सरसाइजेस घर पर परफॉर्म करते हैं। हफ्ते के अंदर 2 बार अपने शोल्डर को ट्रेन करना है, 3 से 4 सेट लेने, और पहली एक्सरसाइज के आपको हमेशा 4 से 5 सेट ही लेने, क्योंकि वही मेन एक्सरसाइज है जो कि आपके शोल्डर का साइज गेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले। तो गाइस यही थी आज की मेरी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को क्या करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि आपकी नॉलेज बढ़ाएगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।